I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? दिल ने। चलिए आप वापस आइए। जी वापस आ जाइए रक्स में। देखिए आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। क्यों अपने ऊपर इतना जुल्म ढा रही हैं आप? सजना का के लिए रे, सजना का के लिए जगाए सारी रैना, निगोड़े नैना चुराए चैना, याद है? चलिए बेगम आप मेरी चलिए बेगम आप चलिए आप मेरी बात को सुनिए बेगम। मैं बेगम चलिए ठीक है फिर हम भी आपको दिखा दें हम में कितनी जिद है। वजह जाने बिना हम हिलने वाले नहीं है यहां से। क्यों आपने कत्ल कर दिया उस पारा का? उसकी तो हर सांस नाच थी। कहां गई वो पारा जिसे हमने 25 साल पहले देखा था भोपाल में टाउन हॉल के ऑडिटोरियम के मंच पे? आपके उस्ताद बिरजू महाराज साहब भी थे बेगम। उस दिन नाचते नाचते आप खुद नाच हो गई थी। नीसा 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 कहां गई वो पारा? नीसा 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 कसम खुदा की खा लू मेरे हाथ में आ तू, तेरे 9 लाख टुकड़े करके ना चील कौओं को ब्रेकफास्ट में खिलाऊंगा मैं। सुन रही है कि नहीं? हेलो बाबा नेहरू स्पीकिंग। अच्छा बड़ी अंग्रेजी जा रहे हैं। सारी तमीज तहजीब सब जुमेरात की पैंट में बेच के आया है। इधर देख सामने ऊपर। तुम मेरे को फोन क्यों कर रहे हो? मेरा इनकमिंग तो फ्री है, पैसे तो हमारे लग रहे हैं। हम नवाब हैं, लड़ते भी हैं तो अदब से। हमारी सारी नवाबियत है ना पिछवाड़े में गुजर दूंगा मैं। पहले बोला मेरे को झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला था, हाँ सच नहीं बताया बस। देखो हाँ मेरे को कंफ्यूज मत करो। तुमने बोला तुम वो नाली में गिरे थे और हार भी नाली में गिर गया था। हाँ तो सच बोला था ना, मैं नाली में गिरा था, हार भी वहीं गिर गया था। उसके बाद मैं नाली में से गिर के उठा और हार मैंने फिर से उठा लिया। हाँ तुम नीचे आओ, मैं तुमको दुनिया से उठाता हूँ। मैं तो यहीं ठीक हूँ। आओ ना नीचे आओ ना। आ रही हूँ मैं, सीढ़ी फेंको। तू चाकू फेंक पहले। देखो मस्तक की माँ बहन मत करो, तुम सीढ़ी फेंको नीचे। नहीं देखिए यहाँ हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तू ऊपर आ सकता है तो आ जा, नहीं तो बाय बाय। फोन क्यों काट दिया? हेलो हाँ मैं रात भर यहीं खड़े रहूंगा, मैं बोल रहा हूँ। देख देख बब्बन बेटे देख, हवा नहीं होते, मेरी बात सुन, मैं समझाता हूँ तुझे। मेरी शराफत देख ना, चाहता तो तुझे वहीं सोते सोते हलाक कर देता, पर मैं तुझे प्यार करता हूँ बेटे, बेटे की तरह। अरे मेरे काय का बेटा बेटा बेटा, मेरे को कबर में छोड़ा है तू मरने के लिए? हाँ दूसरी बार खतना होने वाली थी मेरी, मुत्ता खड़ा था इतनी बड़ी चक्कू लेके, छोड़ा है छोड़ना ही है। तू मेरी बात तो सुन, उस दिन जब हम भागे थे ना हार चुरा के खालू, अभी टाइम नहीं है, तू भाग यहां से, कब्रिस्तान में 3:30 बजे ठीक है?
हाँ, आधा घंटा हो गया, कहीं हकीम साहब खुद ही तो नहीं इंतकाल फरमा गए? तुम्हारे मर्ज का ताल्लुक दिल की शरियानों से है, गमजदा हो बलखुरदार। बचपन की कोई चोट, कोई कदीमी अफसोस, खुश और खुर्रम रहा करो मियाँ, यही तुम्हारी दवा है। तुम मरीज इश्क हो, कहीं दिल मिल लगाओ फिर ये सारी कपकपी गायब हो जाएगी खुद ब खुद इंशाल्लाह। हमेशा दूसरों के लिए ही जीता रहा मैं, पहले अब्बा, फिर तेरी खाला, फिर मुश्ताक भाई, फिर जीजी और फिर तू। अपने बारे में सोचने का मौका तो मिला ही नहीं मुझे कभी, तो आखिर मैंने ये सोचा कि जाते जाते एक बार तो अपने लिए जी के देखो इफ्तिखारमियाँ। अगर अपने आप को ही खुश नहीं रख पाऊंगा तो दूसरे किसी को क्या घंटा खुश रखूंगा। फिर अपने गिल्लियों का क्या होगा? हार हमने तोहफे में दिया है, अब उस हार को कोई और चुरा ले तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैंने सुना है कि बेगम की तिजोरी में 10 नौलखे और 1000 सोने की अशरफियां भरी हुई हैं। खालू, तुम अपने घर में चोरी करवा रहे हो? घर नहीं, होने वाली ससुराल को। अब तो यही जिंदगी कटेगी बेगम के साथ। आई लव यू खालू। आई लव यू टू बेटा। तुम्हारा ससुराल है भूत बंगला लगता है। अब तो आदत पड़ गई है इसकी। जो आएगा ना शादी के बाद तो नौकरों के साथ नहीं ठहराएंगे तुझे, तो अलग कमरा मिलेगा। चार पांच लोंडिया भेजा, मुझे कोई टेंशन नहीं। इतालवी साहब क्या कहते हैं, हम नवाब लग रहे हैं कि नहीं? लग तो रहे मगर है नहीं। मगर है नहीं। हमारे पास बेगम के मरहूम नवाब के गौहर हैं, पगड़ी है, शमशीर भी है। शुक्र है। यही रंग है ना आपके लोगों का भी, सुर्ख। फिर ऐसी क्या चीज है जो माजिदाबाद का नवाब बनने के लिए हमारे पास नहीं है? डीएनए। क्या? आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में, सबके अपने अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ डीएनए थे, हैं और होंगे। क्या बात, आपने हमारी बरसों पुरानी एक पहेली बुझारी साली। मतलब? इस शहर के सीने पे एक नाला है, नाले के उस पार हवेली है नवाब साहब की, और नाले के इस पार बाकी माजिदाबाद। जब नाले के उस तरफ मैं सड़कों पर निकलता था तो राहगीरों की नजरें झुक जाती थी डर के मारे, और जब नवाब साहब निकलते थे तो लोगों के सर झुक जाते थे अदब से। पूछो क्यों? क्यों? एनडीए, डीएनए, जो भी है, आप ये बता इसको बदलते कैसे? जनाब ये पैदाइशी चीज होती है, ये बदली नहीं जा सकती। क्या बात कर रहा है, आजकल तो आंख नाक गुर्दे। अरे ये नहीं बदलता।
तो गुस्सा हो रहा हमसे, इसीलिए झूठ बोल रहा है। देख बहुत पैसा है मेरे पास, जो मांगेगा दूंगा। पक्का? पक्का। इटली में, वहां ट्राई कर सकते हैं, शायद मिल जाए। दोनों भाई चलेंगे, बदलवा लेंगे। कब? जैसे बेगम हमें शॉर्ट चुन लेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, फर्स्ट क्लास की टिकट। ना चुना तो? तो तू अकेला जाएगा ताबूत में बैठकर। अलादीन का चिराग? देखो वहां पे किताब ही किताब पड़ी। सलाम वालेकुम। वो नवाब साहब है ना, शाम की तफरी पे निकले थे तो बहुत टाइम हो गया आए नहीं, तो मैं ऐसे ढूंढने को निकला था उनको। वो जा रहा था, मैं देखा ये आपका फूलदान डग मार रहा है, तो मैं पक से आके पकड़ लिया। ये तो टूट जाता था, कांच का है मेरे ख्याल से। अरे आप है? टूट जाता तो क्या होता भला, धड़ाम से गिरता था सन्नाटे में, सब लोग जाग जाते ना पगली। पर तू पकड़ा जाता रंगे हाथ। किस्मत अच्छी है तेरी कि सब सोए हैं बस मुझे छोड़ के। तुझे भी सुला दूं हमेशा के लिए, सामान है ना जबड़े में रखना, नहीं तो काट दूंगा, समझे? कट जाएगा मैं कह रही हूं। जिंदगी में पहली बार मैं तय नहीं कर पा रही हूं। क्या? कि मैं दे के आ रही हूं कि ले के आ रही हूं।
चलो उठ, सुबह होने को जाना नहीं है क्या? जाना तो है। कहाँ? होनोलुलु से टिम्बक्टू से पेरिस से न्यूयॉर्क से मॉस्को से टोक्यो। तेरे साथ? मेरे साथ? हाँ तेरे साथ। उसमें तो अभी बहुत टाइम है, तब तक क्या करेगा? जो तू बोलेगी वही करूँगा। बकरी चराएगा? हाँ बकरी चलाऊंगा। कबूतर उड़ाएगा? हाँ कबूतर भी उड़ाऊंगा। जीप चलाएगा? जीप भी चलाऊंगा। किडनैपिंग करेगा? क्या करेगा? ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये नहीं करने वाला। तुझसे होगा भी नहीं। ओए, पांच परदेशों की पुलिस मेरे पीछे लगी है, लाख रुपए का इनाम है मेरे सर पे। तेरे सर पे? हाँ। और तेरी गिल्ली पे? For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.